हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी बॉय स्वेटर। ठीक है, बेबी बॉय स्वेटर है ये। ये हमारे 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए है और थोड़ी सी बड़ी बन गई है। इसको हम 4-5 साल तक के बच्चे के लिए भी बना सकते हैं, अगर आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई सारा पार्ट नंबर 1 में भी है और लास्ट में एक वीडियो भी मैं बना दूंगी। जो भी कंफ्यूजन होगी आपकी, ये कितना लंबा है, वैसे 15 इंच का है ये टोटली। ठीक है, 15 इंच इसकी लंबाई है, आप अपने बच्चे के स्वेटर के मुताबिक बना लीजिए। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रही कि आपको वो छोटा बनाना है, कितने फंदे ले, बड़ा बनाना है कितने फंदे ले, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा ये फुल जो मैंने इसका सेट बनाया है, कैप हो गए, इसके सूज हो गए और ये स्वेटर हो गए, ठीक है, इसके सारे पार्ट अपलोड हो जाएंगे, तो लास्ट में एक पार्ट में ये बना दूंगी आपके लिए कि आपको न्यू बॉर्न के लिए बनाना है तो कितने फंदे लगेंगे, कितना लंबा बनाएंगे, 1 से 2 साल तक के लिए बनाना है, 2 से 3 तक के लिए बनाना है, 3, 4, 5 साल तक के लिए तो ये सेम आएगा। अगर हेल्दी है तो आप उस हिसाब से मुझे नाप बता दीजिएगा, उस हिसाब से मैं आपको फंदे बता दूंगी। ठीक है, 5 से 6 साल तक के बच्चे को कितना कितना बड़ा और कैसे इसके फंदे आएंगे, इसका सारा ट्यूटोरियल मैं एक वीडियो में दे दूंगी। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इससे पहले पार्ट नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि ये पैटर्न आपने कैसे बनाना है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 जिसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 आर्म होल से नीचे को कैसे बनाएंगे, तो चलिए यहाँ से नीचे को मैं बता देती हूँ कैसे बनाया है। तो ये देखिए इतना हो गया है, इसको मैं बता देती हूँ आपको मेजरमेंट इसका। ये देखिए 6 इंच का हो चुका है ये। ठीक है, 6 इंच हो चुका है ये। लाइन अगर मैं गिनूँ इनको तो देखिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 लाइनें बन चुकी हैं। अब हम इनमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले, सबसे पहले हम बाजू बना लेंगे। ठीक है, तो बाजू बनाने के लिए क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट के कितने फंदे ये भी बता देती हूँ। फ्रंट साइड में हमारे फंदे कितने, जो ये बीच वाला है ये बाजू में आएगा, जो हमारी एक लाइन सी आ रही है, ये फली सी आ रही है, ये बाजू में जाएगा, इसको नहीं गिनेंगे, इसके बगल वाले को गिनेंगे। 2 का जोड़ा करके गिनूंगी मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमारे 38 फंदे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 38 और 8 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, 8 फंदे बटन पट्टी के हो गए, 38 ये हो गए, तो टोटल मिलाएंगे इनको तो ये आपके 46 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 46 फंदे, तो इन 46 फंदों को हम बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट के जो फंदे हैं वो एक नीडल में ले लिए यहाँ पे। ठीक है, और ये जो फली आ रही है ये बाजू में जाएगा और दूसरी जो फली आ रही है वो भी बाजू में जाएगा। ठीक है, तो इसके फंदे गिन लेती हूँ मैं, कितने फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 71। बाजू में हमारे 71 फंदे हो गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, 71 होने ही चाहिए। अब देखिए यहाँ से हमको ये नीडल छोड़ देंगे, अब यहाँ से इस नीडल से हम बना लेंगे। ठीक है, चाहे आप इसी से बना लीजिए जो हमारा तार वाला लगा है, चाहे आप इससे बना लीजिए, तो एकदम सीधा सीधा बना लेंगे। अब हमको कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, थोड़ी सी आपको ये इस नीडल की वजह से परेशानी तो होगी, लेकिन थोड़ा 1-2 इंच के बाद सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ बाजू के ही फंदे बनाने हैं। ठीक है, फ्रंट पार्ट के जो फंदे थे वो एक नीडल में ले लिए हैं, अब यहाँ तक बाजू के फंदे लेके आएंगे, फिर यहीं से वापस जाएंगे। तो ये बता देती हूँ मैं कैसे करना है।
ये रो बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हमने बनाया था बाजू हमारी, ये वाला फंदा भी बना लेंगे, ठीक है, ये भी बाजू में ही ले लेंगे। अब यहाँ से आगे को हमको नहीं बनाना है, तो देखिए सिर्फ बाजू के ही फंदे बनेंगे हमारे अब, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा हो गया, ये फ्रंट का पार्ट हो गया, ये बाजू हो गया, फिर बैक पार्ट हो गया, फिर बाजू हो गया, फिर फ्रंट पार्ट हो गया। तो सब पहले हम इस बाजू को बना लेंगे, ठीक है। इस बाजू में बनाने के लिए क्या करेंगे, हर एक इंच या 2 इंच के बीच में 3 फंदे बंद कर लेंगे। 1 इंच से पहले हम फंदे बंद कर लेंगे, कहने का मतलब है 3 या 4 रो के बाद एक फंदा हम किनारे पे बंद कर लेंगे। एक इस किनारे पे करेंगे तो एक इस किनारे पे कर लेंगे। तो बता देती हूँ मैं कैसे करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, लगभग आधा इंच इसको सीधा सीधा ही बना लेते हैं, यहीं से वापस हो जाएंगे, आगे को नहीं बनाना है, ठीक है। आगे को नहीं बनाएंगे, यहीं से हम वापस हो जाएंगे। तो ये बैक रो बना लेती हूँ, 2-3 रो बना के बताती हूँ मैं आपको फंदे बंद कम कैसे करने। तो देखिए यहीं से लौट जाएंगे, 2-3 रो बना करके बताती हूँ मैं आपको फंदे कम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इतना बना दिया है, आधे 1 इंच से थोड़ा कम होगा, ये देखिए इतना बना दिया है। तो क्या करना है, ये रो हम बना लेंगे, इसके बाद वाली रो में बताती हूँ मैं, उल्टी रो में हम फंदे बंद करेंगे, ठीक है। तो ये रो बना लेते हैं, तो ये देखिए सीधी रो कंप्लीट कर ली है, अब उल्टी रो में आ गए हम। यहाँ पे आधे 1 इंच से थोड़ा कम बनाने से पहले क्या करेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस किनारे पे, हमेशा बैक रो में ही उल्टी रो में ही बनाएंगे, ठीक है, उल्टी रो में ही फंदे कम करेंगे, और हर 5वीं या 7वीं रो में हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम जब कलाई के पास पहुंच जाएंगे तो वहां पे हमारे लगभग 50 या 55 फंदे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए रो के लास्ट में आ गए हैं, इधर भी हम लास्ट में 2 का 1 कर लेंगे। तो इस तरह से हर 5वीं या 7वीं रो में हम फंदे घटाते हुए बाजू बना लेंगे। तो मैं बाजू बना के दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए एक बाजू लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बॉर्डर बनाएंगे। तो इससे पहले मैं इसका मेजरमेंट बता दूं आपको, ये देखिए ये 13.5 इंच इसकी टोटल लंबाई है गले से, ठीक है। और अगर बाजू से, जहाँ से हमने बाजू हटाया है वहाँ से हम बात करें इसकी लंबाई की, तो 7.5 इंच, ठीक है, 7.5 इंच इसकी लंबाई हो चुकी है, 7.25 ले लीजिए, 7.5 ले लीजिए। अब इसमें 2 इंच का लगभग हम बॉर्डर बनाएंगे, इतना बॉर्डर बना लेंगे, एक उल्टा एक सीधा का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 70 फंदे थे, यहाँ आते आते हमारे 55 फंदे रह गए। इस तरह से हमने घटा दिए हैं फंदे, ये दिख रहा होगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से फंदे घटाते हुए इस शेप में ले आइए। दोनों तरफ एक फंदा इधर घटेगा तो एक फंदा उस साइड घटेगा, दोनों तरफ हमने एक एक फंदा घटाया था। तो अब जितनी आपको बाजू बनानी है उतनी बाजू बना लीजिए अपने बच्चे के स्वेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 45 फंदे रख लेंगे, 40 से 45 के बीच में रख लेंगे, ज़रूरी नहीं 45 ही रखूँगी, 42 भी हो सकते, 43, 44, 40 भी, 45 भी हो सकते, ठीक है। तो 40 से 45 तक के फंदे रख लूँगी और सारे फंदे इस तरह से घटा लेंगे, 1, 2, 3 तीन फंदे बनाने के बाद 2 फंदों का 1 कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 फंदे बनाने के बाद 2 का 1 कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 फिर 2 का 1 कर लूँगी। इस तरह से लगभग 10 से 12 फंदे घटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें तो मैंने बंद कर दिया, इसमें 46 फंदे बचे हैं अभी, ठीक है। अभी और कम करूंगी मैं, कब करूंगी, जब इसमें बॉर्डर देंगे, ठीक है, कहीं कहीं पे 1-2 फंदे और बंद करेंगे। इसमें टोटल मैं बता दूं आपको 43 फंदे रखने वाली हूँ, ठीक है, 43 फंदे रख लेंगे, 3 फंदे और बंद कर लूंगी। आप चाहें तो गिन गिन करके इधर से ही बंद कर लीजिए, ज़रूरी नहीं 4 फंदों के बाद 2 का 1 करें, 3 फंदों के बाद भी 2 का 1 कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 46 फंदे रहे हैं, मुझे सिर्फ चाहिए 43 फंदे। तीन फंदे मैं बॉर्डर देते देते बंद कर लूँगी। बॉर्डर देंगे हम 11 नंबर से। तो ये देखिए बॉर्डर बना लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ठीक है। इस तरह से कहीं कहीं पे मैं एक फंदा बंद कर लूँगी क्योंकि मुझे तीन फंदे अभी कम करने हैं। जैसे उल्टा बना लिया, आगे करके दो का एक कर देंगे, ये हो गया कम। तो टोटल यहाँ पे 43 फंदे बंद बना लेते हैं, रख लेते हैं। और 2 इंच का लगभग हम बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद सारे फंदे बंद कर देंगे। तो चलिए बॉर्डर बना लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको आगे का जो बाजू है उसे कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दो एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बना दिया है। अब इनको बंद कर लेंगे। फंदे बंद करने के बाद हम दूसरा बाजू बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बाजू हमने बंद कर लिया है, कंप्लीट हो गई है। जब हम बाजू बना रहे थे वहाँ पे हमने क्या किया था, फ्रंट पार्ट बना लिया था, उसके बाद बाजू बनाया था। अब इस तरह से फ्रंट पार्ट बाजू को ऊपर कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के बाद अभी बैक पार्ट ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक इस नीडल में, ठीक है। उसके बाद इस बाजू को इसी तरह से सेम तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये फ्रंट पार्ट के फंदे इस वाली यहाँ वाली तार वाले नीडल में ले लिए हैं। अब ये फ्रंट पार्ट है और ये बाजू हमने बना लिया है, ठीक है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हम जोड़ लेंगे। यहाँ से हमको नया धागा लगा लेना है। तो ये बैक पार्ट के जो फंदे हैं वो बना लेते हैं इसमें, ठीक है। ये बैक पार्ट के फंदे हम इसके साथ जोड़ देंगे आगे वाले के साथ। तो बैक पार्ट के फंदे बना लेते पूरे। तो ये देखिए बैक पार्ट का हमने बना लिए हैं फंदे। अब हमको ये बाजू बनानी है, ठीक है। ये बाजू हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वापस, जैसे ही हमने पहली बाजू बनाई थी रिपीट करते हुए बनाएंगे। जैसे कि ये वाला जो सीधा सीधा फंदा है हमारा, ये भी बाजू में आएगा, और जो ये सीधा सीधा फंदा है ये भी बाजू में आएगा, ठीक है। टोटल 70 फंदे थे इसमें, तो इसको ही बाजू को ही हम लाएंगे। यहाँ से आगे ये फ्रंट वाला पार्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ तक आ करके वापस आएंगे इसी तरह से, और फंदे भी घटाएंगे जैसे कि हमने पहले बाजू में शेप दी थी सेम तरीके से, ठीक है। जैसे इसमें हमने शेप दी थी उसी तरह से, और इसी की लंबाई तक का हम बाजू बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बाजू बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों ही बाजू कंप्लीट हो चुके हैं। एक बाजू हमारा ये है और दूसरा बाजू ये है, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा, दोनों फ्रंट और बैक रह गए। तो क्या किया था, सबसे पहले हमने देखिए ये वाला फ्रंट बनाया था, फिर ये वाला बाजू बना लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद बैक बना के आए। अब यहाँ से फ्रंट वाला ले लेंगे। तो फ्रंट बैक और फ्रंट तीनों ही पार्ट को हम साथ में ले लेंगे। अब यहाँ से हम धागा जोड़ेंगे, तीनों ही पार्ट अब हमारे इकट्ठे ही बनेंगे, ठीक है। धागा जोड़ेंगे यहाँ से, ये देखिए इस तरह से धागा जोड़ लिया। बैक पार्ट के बाद अब हमको बनाना है ये फ्रंट पार्ट। तो ये रो बना लेते हैं, उसके बाद बैक साइड में दिखा दूंगी आपको सारे ही एक ही नीडल्स में हमने कैसे बनाए, ठीक है। तो देखिए फ्रंट रो बना ली है। अब बैक रो में इस तरह से देखिए फ्रंट पार्ट के फंदे, बैक पार्ट के फंदे और फ्रंट पार्ट के फंदे सभी साथ में हम बना लेंगे। और पैटर्न हमको यही देना है, अगर आपको और पूरे में ही पैटर्न देना है तो इस तरह के पैटर्न दे सकते हैं आप। तो चलिए आपको पता चल गया, अब बाजू हमारे अलग से निकल गए, अब हमारे फ्रंट बैक फ्रंट एक साथ ही बनाए जाएंगे, ठीक है, पूरी रो में। तो इसको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए स्वेटर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी लंबाई बता देती हूँ मैं आपको कितनी इसकी लंबाई मैंने बनाई है। 11 से सवा 11 इंच शायद इसकी लंबाई हो चुकी है। ये देखिए 12 इंच भी हो चुकी है, 12 इंच के आसपास ही ये लंबाई हो चुकी है। यहाँ से ये बराबर नहीं आ रहा,
इसको ऐसे रखेंगे तो 12 इंच की लंबाई। अगर आपको 11 इंच 10 इंच रखना है तो उतना भी रख सकते हैं आप, यहाँ से ही बॉर्डर दे दीजिए। अगर आपको 13-14 इंच बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है, तो 1-2 इंच बड़ा बना लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फंदे बता देती हूँ मैं, 176 फंदे हैं, ठीक है। 176 मतलब 176 फंदे हैं, 176 फंदे ये सारे टोटल हैं। आपके थोड़े कम ज़्यादा, 2-4 कम ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें हम क्या करेंगे 20 फंदे कम करेंगे। अब बॉर्डर बनाएंगे, जैसे हमने बाजू में बॉर्डर दिया था, ये देखिए ऐसा ही बॉर्डर बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा का। तो बॉर्डर देने के लिए हमको यहाँ पे फंदे कम करने हैं, 20 फंदे कम करने हैं। तो 7 फंदे बना करके 2 का 1 करेंगे, 7 फंदे सिंपल बनाएंगे फिर 2 का 1 करेंगे, 7 फंदे सिंपल बनाएंगे 2 का 1 करेंगे, इस तरह से हम 20 फंदे कम कर लेते हैं, ठीक है। 6 से 7 फंदे जितने भी होंगे उस हिसाब से आप, कोई बात नहीं, आपके अगर कहीं पर 4 फंदों के बाद 2 का 1 करें या कहीं पर 5 फंदों के बाद करें वो भी चलेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आप फंदे बंद करके लगभग आपको 20 फंदे इसमें कम कर लेने। उसके बाद ये सीधी रो में हम फंदे कम कर लेंगे, उल्टी रो से हमारा एक उल्टा एक सीधा वाला पैटर्न आ जाएगा, जिसे हम बॉर्डर बनाएंगे। लगभग ये 1.5 इंच का हमने ये वाला बना रखा है, आप चाहें तो इतना ही बना सकते हैं, मैं 1.5 से 2 इंच बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी जरूर, ठीक है। और इसका डिजाइन भी बता देती हूँ, इसके जो पैटर्न बने हुए, कितने पैटर्न बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें जालियां बन चुकी है, ठीक है। आपको बड़ा छोटा जैसा भी बनाना है, अपने बच्चे के स्वेटर के नाप के हिसाब से इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका बॉर्डर बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि ये बॉर्डर जो हमने इस तरह से बंद किया है वो कैसे किया है। तो देखिए बैक रो में आ गए हम, फ्रंट रो में हमने 20 फंदे कम कर लिए हैं, बैक रो में आ गए हैं। अब यहाँ से 11 नंबर की नीडल ले लेंगे और एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से हम बॉर्डर बना लेते हैं इसका, ठीक है, 1.5 से 2 इंच। और बटन होल बनाना मत भूलिएगा, बटन होल बनाना बहुत ज़रूरी है सेम डिस्टेंस में, जैसे कि अभी बना है, इसमें अभी एक बटन होल आएगा और लास्ट में फिर एक बटन होल और आएगा, ठीक है। तो चलिए बॉर्डर बना लेते हैं सारा। तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर हो चुका है लगभग 2 इंच का, ठीक है। आप देख लीजिए आपको कितना बॉर्डर चाहिए, और जैसे यहाँ पे बटन होल बनाए इसी तरह से आप बटन होल बनाना मत भूलिए बिल्कुल भी। तो 2 बटन होल बनाए मैंने यहाँ पे, एक ये और एक ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर आपको ये सुई से जो बंद करते हैं हम, आपने देखा होगा अक्सर मेरे वीडियो में गले जो हैं सुई से ही बंद होते हैं, अगर आपको नहीं आता, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, बैक साइड से पूरे फंदे बंद कर लेंगे इनको, ठीक है। बैक साइड से 2 का 1, 2 का 1 करते हुए सारे फंदे बंद कर लेंगे। और अगर आपको इस तरह से बन सकता है तो बना सकते हैं। देखिए सीधी रो में आए हम लोग, सीधी रो में क्या करेंगे, एक ही रो बनाएंगे। जिन्होंने मेरी पहले पिछली वीडियो देखी है वो गले अगर देखे हैं सुई से बनाते हुए, तो उसमें 2 रो का बताती हूँ मैं, लेकिन वो गला है, ये क्या है हमारा कमर वाला बॉर्डर है, इसमें हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो क्या करना है, सीधी साइड में से बना रही हूँ मैं, तो सीधा फंदा बना लेना है ऐसे, धागा आगे करके जो उल्टा फंदा है उसको स्किप कर लेना है, बिना बुनाई ले लेना है, धागा पीछे करना है, सीधा फंदा बना लेना है, धागा आगे करना है, उल्टा फंदा बिना बनाए ले लेना है, और फिर धागे को आगे कर लेना है। धागा आगे कर लिया हमने, सीधा फंदा बना लिया, धागा पीछे कर लिया, उल्टा फंदा इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से देखिए नीडल को इस तरह से लेंगे और बिना बनाए ले लेंगे, और धागे को इस तरह से पीछे करेंगे और सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये ले लिया बिना बनाए, सीधा पीछे करेंगे, सीधा फंदा बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरी रो हम बना लेंगे, ठीक है। धागा आगे, उल्टा फंदा बिना बनाए लेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा बिना बनाए लेके, धागा पीछे करके सीधा फंदा बना लेंगे। तो चलिए इस रो को कम्प्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट रो हमने बना ली है, एक फंदा बनाया, एक फंदा छोड़ दिया, बैक रो में आ गए हैं। बैक रो में क्या करेंगे, इतना लंबा धागा ले लेंगे कि हमारी एक रो बन जाए, ठीक है। तो देखिए सुई में धागा डालने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट में हमारा यहाँ पे सीधा फंदा आ रहा है जो फ्रंट साइड से उल्टा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैक पीछे साइड से मैं इसको लूंगी, क्योंकि आगे नोक होती है तो धागा फट जाता है, ठीक है। इस तरह से पहले फंदे में ले लिया हमने, और दूसरे फंदे में भी ले लेंगे धागे को इस तरह से,
दो फंदों में ले लिया, ठीक है, एक उल्टे में एक सीधे में। अब जो आपको इस साइड सारे सीधे दिख रहे हैं, सीधे को सीधे के साथ जोड़ना है और उल्टे को उसके बगल वाले उल्टे के साथ जोड़ना है। अब देखिए कौन सा फंदा आया है हमारा, यहाँ पे सीधा फंदा आया है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इधर वाला जो सीधा है इसका लास्ट वो ले लेंगे, टॉप वाला इसका जो लास्ट हमने लिया था फंदा ये ले लेंगे और इसको सीधे के साथ जोड़ देंगे। बस जोड़ना है, ठीक है, इस तरह से जोड़ना है हमको। ये हमने सीधे को सीधे के साथ जोड़ दिया। अब कौन सा फंदा आया है हमारा, उल्टा फंदा आया है। देखिए उल्टा फंदा आया है ना, उल्टे फंदे को इसके बगल वाले पहले वाले उल्टे फंदे के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए अब ये सीधा फंदा आया है तो सीधे को सीधे के साथ जोड़ देंगे। ये सीधा है, इसके बगल वाला भी सीधा है और इसका लास्ट वाला फंदा ये था, ठीक है, लास्ट इसका लूप ये था, इस वाले लूप में लेकर के और इसको नए वाले सीधे के साथ जोड़ देंगे। एक पुराना जो हमारा बन चुका है उसको, एक नया जो हमारा इस नीडल में है उसको, दोनों को जोड़ देंगे। अब ये देखिए उल्टा है तो बगल में उल्टा है हमारा फंदा और लास्ट इसका लूप ये है, इस लूप को ले लेंगे, इसको पकड़ करके इस उल्टे के साथ जोड़ लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, ये सीधा दिख रहा है आपको, सीधे को लास्ट लूप उठा लेंगे, ये देखिए लास्ट वाले के साथ इसको जोड़ देंगे और उल्टे को उल्टे के साथ। इसी तरह से पूरी रो हमको बना लेनी है, उल्टे फंदे को उल्टे के साथ और सीधे फंदे को सीधे के साथ, ये देखिए, ठीक है। तो आ गया होगा आपके समझ में क्या करना है इसमें। ये देखिए आपको सीधा सीधा दिख जा रहा है, ये देखिए ये हमारा सीधा फंदा है, इस सीधे फंदे को पहले वाले सीधे फंदे के साथ जोड़ना है। अब इस पहले वाले सीधे फंदे का लास्ट लूप जो है ये है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से इसको नीडल में उठा ले रही हूँ, तो इससे थोड़ी सी आसानी होती है, ठीक है, इस तरह से नीडल में उठा ले रही हूँ इसको और जो हमारा पहले से ही यहाँ पे सीधा फंदा है इसको, दोनों को ले लेंगे ऐसे, ज्यादा टाइट नहीं खींचेंगे इसको, हल्का सा ऐसे रखेंगे। अब क्या है, अब उल्टा फंदा आ गया ना, उल्टा फंदा देखिए ये है, बैक साइड से या इस साइड से हमारा सीधा आ गया, इस वाले सीधे फंदे को देखिए, इस वाले सीधे फंदे को इस वाले सीधे फंदे के साथ जोड़ लेना है। अब इस वाले फंदे का लास्ट लूप कौन सा है, देखिए ये हम, मैं ये नीडल के सहारे से इसको उठाऊंगी, ये देखिए इसका लास्ट लूप ये है, इसको ऐसे ले लेंगे और ये उल्टे वाले के साथ इसको जोड़ देंगे। बस एक फंदा हमारा जो बना है उसको और एक फंदा जो नया है उसको, दोनों को जोड़ लेना है। फिर से आ गए हम आगे इस तरफ, सीधा फंदा आ गया हमारा, सीधे को सीधे की तरफ जोड़ लेना है, पहले जो बन चुका है उसका लूप उठा लेंगे ऐसे, इससे आसानी होती है अगर नीडल से उठा लो तो, ये और ये, एक बार आगे के सीधे एक बार पीछे वाले सीधे, दोनों को इस तरह से जोड़ लेना है। ऐसे आप नीडल डालेंगे, हल्का सा इसका मुंह इस तरफ डालेंगे तो ये लूप आपके नीडल में आ जाएगा ऐसे, और सुई देख लीजिए आप किस तरह से जा रही है, ठीक है, दोनों उल्टे हो गए। अब सीधे तरफ आ गए हम, तो लास्ट लूप कौन सा है इसका, ये वाला है, ये उठा लेंगे और इसको ले लेंगे, ये हो गया, ठीक है, बैक साइड से ये हो गया, ये और इसका बगल वाला, बस आपको यही करना है पूरे पूरे रो में, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा आपका। देखिए बहुत ही सुंदर ये बनके आता है, तो चलिए बना लेते हैं। देखिए बार बार रिपीट वही करना है हमको, एक बार आगे के दो सीधे एक साथ कर लेने, एक बार इस साइड से दोनों सीधे एक एक कर लेने, ठीक है, तो दोनों की बारी आएगी। जैसे कि एक बार हम ये सीधा सीधा इस तरफ के सीधे सीधे एक कर लेंगे, इसके बाद हमारा उल्टा फंदा आ गया तो अब हम उल्टे उल्टे एक कर लेंगे जो कि उस तरफ से सीधे सीधे है, ये बस। अब फिर रिपीट करेंगे वही सीधा और सीधा एक साथ, बहुत आसान तरीका है, एक छोटी सी वीडियो भी बना रखी है मैंने, आप
अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो दो कलर में बना रखी है मैंने, ठीक है, वहां से सीख लीजिए। वैसे बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया है, आ जाएगा आपको, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार समझ लीजिए, दो आप भी 8-10 फंदे 10-15 फंदे ले करके इस तरह सा बॉर्डर बना करके बना सकते हैं इसको, ठीक है, बंद कर सकते हैं। 2-3 बार यही आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका धीरे धीरे हाथ भी साफ हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं पूरे बंद कर देती हूँ, उसके बाद आपको स्वेटर दिखाती हूँ। तो देखिए ये बॉर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, बहुत ही सुंदर ये बॉर्डर निकल के आया है, ये देखिए, ठीक है। तो बाजू मैंने सिल लिए हैं, आप भी सिल लीजिए, ये देखिए बाजू अंदर से सिल लेने हैं अच्छे से, और ये जो धागा है इसको यहीं पे नोट लगा देंगे और कट कर लेंगे। उसके बाद जितने बटन होल हैं उतने ही बटन लगा लेंगे, ठीक है। तो बटन लगा के कर लेती हूँ मैं इसको तैयार, उसके बाद दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखिए कम्प्लीटली रेडी है, बटन लग गए हैं, आपको जिस कलर के भी बटन चाहिए वैसे लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये स्वेटर बन के आई है, आप बनाइए, काफ़ी इजी भी है इसको बनाना, ठीक है। फुल ट्यूटोरियल मैंने दे दिया है, अभी इसको एडिट नहीं किया है मैंने वीडियो को, पार्ट 1 पार्ट 2 कितने भी पार्ट इसके बन सकते हैं। और आप चैनल पे आएंगे तो वहाँ पे आपको लगातार इसके सीक्वेंस में सारे पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये स्वेटर जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।